सो फाइनली आई एम एट शिरडी, जो कि मेरी इच्छा थी इतने टाइम से, और फाइनली मैं यहाँ पर आ गई आप सबके साथ। देख सकते हैं आप मेरे पीछे साईं बाबा, उनकी जो हांडी है उनमें खाना बना रहे हैं। तो हम जस्ट श्री साई प्रसादालय के जस्ट बाहर खड़ी हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा गार्डन है। यहाँ पर एक्चुअली हम लोग वीकेंड पे नहीं आए हैं, मिडिल ऑफ द डे पे आए हैं, दैट इज़ फ्राइडे को आए हैं, तो इसलिए ज़्यादा भी भीड़ नहीं है। मंडे ट्यूसडे वेनेसडे एंड फ्राइडे नॉर्मल रहती है भीड़, एंड गुरुवार और सैटरडे संडे को ज़्यादा रहती है, क्योंकि उस दिन वीकेंड रहता है और गुरुवार को साईं बाबा का दिन रहता है। गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो टुडे मैं आई हूँ यहाँ पर शिरडी में, जो कि मुंबई में महाराष्ट्र में है, और यहाँ पर शिरडी स्टेशन से आपको ऑटो मिल जाएगी, बस भी रहती है, डायरेक्ट टैक्सी नहीं रहती है, ऑटो रहते हैं। ऑटो में चार्ज 30 रुपीज़, और आप बस से भी आ सकते हैं, ट्रेन से भी आ सकते हैं, और एयरपोर्ट से भी आ सकते हैं। तो एयरपोर्ट के लिए मैं प्रेफर नहीं करूँगी, क्योंकि वो एक्सपेंसिव भी हो जाएगा। शिरडी में आपको एयरपोर्ट एंड ट्रेन्स की भी फैसिलिटी है, लेकिन उनका टाइमिंग हर जगह से वो नहीं आती है। तो आप एक काम कर लीजिए, आप पुणे या मुंबई से आ सकते हैं, वहाँ से आपको डायरेक्ट शिरडी के लिए बस मिल जाएगी। साईं बाबा धाम के आपको दर्शन करने के लिए आपको महाराष्ट्र में शिरडी, जो शिरडी नाम का एक स्टेशन है, वहाँ पर आपको आना होगा, जो कि बहुत फेमस प्लेस है, टूरिस्ट अट्रैक्टिव प्लेस है। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप ठंडी के मौसम में आइए, ठंडी के मौसम में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। इनफैक्ट यहाँ पर काफ़ी फ्रूट्स भी मिलते हैं, जो कि बहुत सस्ते और बहुत अच्छे मिलते हैं। मंदिर का टाइमिंग रहेगा सुबह 6 से लेके रात के 11 बजे तक। अगर आप दादर से आते हैं, ट्रेन से अगर आप आना चाहते हैं, तो आपको दादर से ट्रेन मिल जाएगी, साई नगर एक्सप्रेस ट्रेन का नाम रहेगा, जो कि दादर स्टेशन से 9:45 को निकलती है और शिरडी में आपको 3:30 तक मॉर्निंग में उतार देगी। उसके बाद आपको शिरडी रेलवे स्टेशन से ही आपको ऑटो मिल जाएगी, ऑटो विल चार्ज 30 रुपीज़, और अगर आप बाय वॉक भी आना चाहते हैं तो आप बाय वॉक भी आ सकते हैं। साईं बाबा खुद अपने हाथों से खाना बनाकर अपने भक्तों के साथ सबके साथ बांट कर खाया करते थे, इसीलिए ये जगह अब काफ़ी बदल गई है बड़े प्रसादालय में। अब जब साईं बाबा अपने साथ कुछ ही लोगों को खाना खाते थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं
कि उसी प्रसादयाला को और भी बड़ा कर दिया गया है, जहाँ पर एक साथ 3,500 लोग खाना खा सकते हैं बैठकर। तो यहाँ पर हम साई प्रसादयाला के बिल्कुल बाहर बैठे हैं। हमने खाना बिल्कुल खा लिया है पेट भर के, और यहाँ पर आपको पूरा अनलिमिटेड प्रसाद मिलेगा। साई बाबा भंडारा रहा, आपको ज़रा भी पैसे नहीं देने हैं, आपको कूपन मिलेगा, जिस कूपन पर आपको सारा जो प्रसाद है वो बिल्कुल फ्री मिलेगा। उसमें आपको दाल, राइस, चपाती, भाजी, एवरीथिंग रहेगा, और इसके लिए आपको ज़रा भी झूठा नहीं छोड़ना है खाना, और आप जितना चाहे अनलिमिटेड खा सकते हैं। और ये इसका टाइमिंग रहता है सुबह 10 से रात के 10 तक, तो आप यहाँ पर जब भी आए तो यहाँ का खाना एक बार टेस्ट करके जाइए। बाहर का मत खाइएगा, क्योंकि ये बाबा का प्रसाद है, तो आप यहाँ पर ज़रूर खाकर जाइए। यहाँ पर गेट नंबर 1 से आपको VIP लाइन मिलती है, जहाँ पर अगर आप ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना चाहते हैं तो आप 200 रुपीज़ पे करके दर्शन कर सकते हैं। और इसके अलावा शिरडी बस स्टेशन के सामने ही खंडोबा मंदिर है, और माना जाता है कि साईं बाबा शिरडी में सबसे पहले यहीं आए थे, और इसी वजह से इस जगह का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। श्री साई बाबा के दर्शन करने के लिए आपको गेट नंबर 2 से दर्शन की एंट्री होती है, जहाँ पर आपको दक्षिण मुखी हनुमान भगवान जी के भी दर्शन होते हैं। और इसी के बिल्कुल थोड़ा सा आगे आपको हाजी अब्दुल बाबा की झोपड़ी भी देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। द्वारका मंदिर के दर्शन करने के बाद थोड़ा आगे जाने पर आपको श्री चावड़ी मंदिर के दर्शन करने को मिलेंगे, जहां पर श्री साई बाबा अपने जुलूस के साथ आते थे, और यहां पर साई बाबा की चरण पादुका और तस्वीर भी देखने को मिलती है। श्री साई बाबा के संस्थान में कई तरीके के अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जैसे कि द्वारका भक्त निवास, और इसके अलावा एक और भक्त निवास है जहाँ पर आश्रम भी है, जहाँ पर 500 रूम्स अवेलेबल हैं भक्तजनों के लिए, और यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में रह सकते हैं। ये रूम्स से बाबा के दर्शन करने के लिए भी आपको बस की सर्विस भी दी जाती है, और ये भी बिल्कुल फ्री है। अगर आप AC रूम्स लेते हैं तो 900 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे, जिसमें आप 3 से 4 से 5 लोग रह सकते हैं, और नॉन AC के लिए 500 रुपीज़। और अगर आप 3 पर्सन हैं तो आपको 3 से ज़्यादा अगर कोई पर्सन है तो उसके लिए 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे आपको। ये सारे स्टेशंस के बिल्कुल नज़दीक वाले होटल्स के बारे में मैं बता रही हूँ आपको।
बाबा के मंदिर में आपको कैमराज, मोबाइल ऐसा कुछ भी लेकर जाना अलाउड नहीं है, तो वहाँ पर काफ़ी लॉकर्स फैसिलिटी भी आपको अवेलेबल है, कुछ जगह पर फ्री भी है और कहीं पर 5 रुपीज़ में आपको आपका जो भी सामान है, लगेज है, वो स्टोर करके रखते हैं। गेट नंबर 3 से सिर्फ हैंडीकैप्ड और जो दूर से आते हैं, जो गांव साइड से लोग आते हैं, उनके लिए ही एंट्री है। और इसके अलावा गेट नंबर 4 से आपको म्यूज़ियम, दत्ता मंदिर और जो स्टाफ्स हैं उनके लिए ही हैं। तो बहुत बड़ा म्यूज़ियम है अंदर, और दत्ता मंदिर के ऐसे काफ़ी छोटे छोटे मंदिर हैं जो आपको देखने मिलते हैं। और फिर गेट नंबर 5 से फाइनली हम एग्जिट हो गए। ओके गाइस, तो फाइनली आज का ये वीडियो था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। आई विश कि बाबा आप सबकी इच्छा पूरी करें और आप भी जाइए एक बार, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको शिरडी में। ओके बाय, टेक केयर।